लालू यादव इस चुनाव में नहीं थे। चुनाव का सारा दारोमदार उनके छोटे बेटे तेजस्वी यादव पर था, लेकिन लालू जैसा करिश्मा वो नहीं दिखा पाए। उनकी सभाओं में भीड़ तो जुटती थी, लेकिन वह भीड़ वोट न बन सकी। ऐसी खबरें आई थी कि हारने के बाद लालू ने अस्पताल में खाना छोड़ दिया है, उनकी तबीयत भी खराब हो गई थी। सभी लोग यही मानकर चल रहे थे कि आरजेडी की बुरी हार से लालू सदमे में हैं। लेकिन लालू को मुख्य रूप से देख रहे रिम्स के डॉक्टर डीके ओझा ने एक नया खुलासा किया है। डॉक्टर ओझा के अनुसार लालू की तबीयत आरजेडी की हार से नहीं बिगड़ी, बल्कि ज्यादा टीवी देखने से बिगड़ी है। उनका स्वास्थ्य सामान्य है। दरअसल टीवी देखने की वजह से लालू नाश्ता देर से करते थे और दोपहर का खाना भी नहीं खा रहे थे। इस वजह से उनका शुगर लेवल असामान्य हो गया था। वहीं पिछले दिनों ही रिम्स के पेइंग वार्ड में बिजली गुल हो जाने की वजह से उनका हार्ट बीट भी बढ़ गया था। इसको लेकर उनका ECG किया गया, जिसकी रिपोर्ट सामान्य आई। बता दें, शनिवार को रिम्स में लालू प्रसाद से मुलाकात के दिन उनसे मिलने वाले लोगों का तांता लगा रहा। लालू से मिलने पहुंचे उनके समधी ने कहा कि लालू की तबीयत ठीक नहीं है। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि लालू को इलाज के लिए बाहर भेजने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि फिलहाल लालू यादव की तबीयत सामान्य कही जा सकती है। डॉक्टर ने आगे कहा कि लालू प्रसाद के लिए प्रशासन से ECG मशीन और जनरेटर की मांग की गई है, ताकि उनका इलाज बेहतर तरीके से हो सके।